नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है विनीत और दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप अपने खाते में चेक जमा करते हैं उस समय और उसके बाद आपके दिमाग में कुछ बातें चलती हैं, चेक क्लियर होगा नहीं होगा, कहां कमी रहेगी, तो उन्हीं कमियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ एक पॉइंट्स हैं मेरे पास, तो दोस्तों उन पॉइंट्स को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जो आपके दिमाग में चलते हैं जब आप अपने खाते में एक चेक जमा कराने जाते हैं। तो सबसे पहला जो दोस्तों दिमाग में बात आती है वो ये है कि अगर किसी ने चेक अधूरा भर के आपको दे दिया हो तो क्या होगा। तो सीधी सी बात है, अधूरा चेक है तो वो अगर आप अपने खाते में लगाएंगे तो चेक वापस हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आपने अपने खाते में चेक लगाया है, उसके साथ एक डिपॉजिट स्लिप लगाई है और अगर वो अधूरी है तो उस केस में दोस्तों मान लीजिए आपने अपना खाता नंबर लिख दिया, किसी कारणवश आप नाम लिखना भूल गए लेकिन आपके चेक के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है, तो ऐसे में बैंक के कर्मचारी आपको फ़ोन करेंगे अगर आपने अपने खाते में या अपने चेक जमा पर्ची पर फ़ोन नंबर लिखा है तो आपसे डिस्कस करके हो सकता है आपको बुला भी लें, आपके खाते में आपका चेक लगा लेंगे। दूसरी बात, तो मान लीजिए आपने अपना नाम और खाता नंबर लिख दिया चेक जमा करते हुए, तो दोस्तों आपने पैसे अंकों में नहीं लिखे और शब्दों में लिखे, तो ऐसे केस में क्या होगा। ऐसे केस में भी डिपेंड करता है, अगर आपने फ़ोन नंबर अपने खाते में चढ़ा रखा है या डिपॉजिट स्लिप पर लगा कर दिया है तो आपसे बैंक डिस्कस कर लेगा, बातचीत कर सकता है। और कई बार तो ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ बैंक के कर्मचारी अपने आप ही दूर करके उसको चेक को लगा देते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए चेक जब भी आप भर कर दे रहे हों चेक डिपॉजिट स्लिप आप पूरी भर कर दें। अब दोस्तों अगला सवाल दिमाग में ये आता है कि अगर आपने डिपॉजिट स्लिप जो चेक डिपॉजिट स्लिप है उसके ऊपर साइन अपने नहीं किए या अधूरे किए हों, तो देखिए साइन करने वैसे तो ज़रूरी होते हैं लेकिन ऐसे केस में बैंक चला देता है। लेकिन अगर आपके चेक के ऊपर साइन नहीं होंगे तो चेक आपका नहीं लगेगा, अगर लगा दिया तो दोस्तों वो वापस हो जाएगा। अब अगला सवाल जो दोस्तों दिमाग में आता है कि आपने चेक बैंक में जमा कर दिया और उसका कोई प्रूफ अपने पास नहीं रखा। वैसे तो दोस्तों बैंक में एक चेक डिपॉजिट बॉक्स होता है, उसमें आप चेक डिपॉजिट स्लिप भरकर अपने खाते में लगा देते हैं चेक और उस बॉक्स में डाल देते हैं। लेकिन अगर आप चाहें प्रूफ के तौर पर अपने पास कुछ रखना तो आप अपने चेक की एक फ़ोटो खींचकर उस डिपॉजिट स्लिप के साथ रख सकते हैं, तो ऐसे में आपको कोई किसी तरह की परेशानी या मन में शंका नहीं रहेगी। अब दोस्तों अगला सवाल ये रहता है मन में, मान लीजिए आपका खाता 2 साल से बंद है या 1 साल से बंद है, आपने कोई लेन देन नहीं की। देखिए दोस्तों अगर आप एक डोरमेट खाते में, अगर आपने 2 साल हो गए हैं उसमें कोई लेन देन ही नहीं की तो वो खाता आपका डोरमेट है, उसमें आप अगर चेक लगाएंगे तो उसमें चेक नहीं लगता। तो अगर आपने खाते में अपने उस खाते में चेक लगाया है जो 2 साल से ज़्यादा ऑपरेशन में नहीं है तो उसमें मत लगाइए। अगर आप चेक बैंक में दिए हैं तो वो चेक वापस ले आएगा क्योंकि वो चेक क्लियर होकर आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। उससे पहले दोस्तों आपको KYC करके अपना खाता चालू करना पड़ेगा और उसके बाद दोस्तों आप अपने खाते में वो चेक लगा सकते हैं। तो खाते में चेक लगाने के लिए खाता आपका चालू होना ज़रूरी है। अगली बात, किसी ने आपको दोस्तों चेक भर के दिया है और जो आपके खाते में स्पेलिंग है नाम के और जो चेक पर स्पेलिंग लिखे हैं वो गलत हो गए, तो ऐसे केस में भी दोस्तों ज़्यादातर चेक जो है वो बैंक नहीं लगाता। तो आप कोशिश कीजिए, सुनिश्चित कीजिए जो नाम आपका आपके खाते में चढ़ा हुआ है वही आप चेक के ऊपर दोस्तों लिखवा कर लाएँ, तभी वो आसानी से पास हो जाता है, नहीं तो ज़्यादातर केसेस में वो चेक आपका वापस हो जाता है। दोस्तों एक और सवाल मन में आता है, मान लीजिए किसी ने आपको चेक दिया और डेट के ऊपर कटिंग कर रखी है या वो डेट जो है 4 या 3 महीने से ज़्यादा पुरानी है, तो उस केस में क्या है, अगर आपको कोई चेक दे रहा है 3 महीने से ज़्यादा पुरानी डेट उस पर डाल दी है तो वो चेक दोस्तों नहीं पास होगा क्योंकि किसी भी चेक की अवधि सिर्फ 3 महीने की होती है। और दूसरी बात, अगर किसी ने हल्का फुल्का डेट पे कुछ कटिंग कर रखी है, डेट के ऊपर हल्की फुल्की कटिंग कर रखी है और जिसका चेक है उसने उसके ऊपर अपने साइन मारकर आपको दे दिया है तो वो कंसिडर हो जाता है। लेकिन ज़्यादा कोई बड़ी कटिंग है, अमाउंट में है, फिगर में है या दोस्तों अंकों में है तो वो नहीं चलता। तो ऐसे केस में कोशिश कीजिए अगर कटिंग हो गई है आप एक नया चेक ले लें, क्योंकि क्या फ़ायदा, आप वो चेक लगाएंगे वो वापस होगा, आपके खाते से भी पैसा कटेगा और पार्टी के खाते से भी पैसा कट जाएगा जिसने आपको चेक दिया है। तो चेक हमेशा एक साफ़ सुथरा चेक लें जो ढंग से भर रखा हो। और अगले सवाल की दोस्तों बात करते हैं, मान लो आपको किसी ने चेक दिया है स्टेट बैंक का, आपका खाता है यूनियन बैंक का,
तो ऐसे केस में कहाँ चेक लगाना चाहिए? तो ऐसे केस में दोस्तों चेक उसी बैंक में लगेगा जहाँ पर खाता है। मान लीजिए आपका यूनियन बैंक में खाता है, स्टेट बैंक का आपको किसी ने चेक दे दिया, तो ऐसा नहीं है कि आप स्टेट बैंक में जाकर कहेंगे कि मेरे खाते में चेक लगाइए, वहाँ तो आपका खाता है ही नहीं। अगर वहाँ आपका खाता है ठीक है, आप वहाँ लगवा सकते हैं, लेकिन आपका जिस बैंक में खाता है आपको किसी भी बैंक का चेक मिले आप अपने खाते में उस चेक को लगा सकते हैं। अब दोस्तों आपको किसी ने चेक दे दिया और उस चेक पर क्रॉसिंग नहीं है, तो उस केस में दोस्तों हर ब्रांच की एक लिमिट होती है किस पार्टी को कितना पेमेंट वो कर सकते हैं। अगर वो लिमिट उस लिमिट के अंदर आती है तो वो आपको नकद पैसे भी वहाँ से दे सकते हैं आपकी आईडी देख करके। मान लो किसी ने आपको 10,000 का चेक दिया है, स्टेट बैंक का चेक है, और वहाँ आपका खाता है नहीं, आपका खाता है यूनियन बैंक में और उस चेक पर क्रॉसिंग नहीं है, तो आप दोस्तों स्टेट बैंक से अपनी आईडी दिखा करके अगर बैंक आपसे आईडी पूछता है तो वो आपको नकद पैसे आपके दे देंगे। तो इस केस में दोस्तों आपको अपने खाते में चेक लगाना नहीं पड़ेगा। और अब दोस्तों बात करते हैं, मान लीजिए आप किसी को बड़ा चेक दे रहे हैं, कभी भी दोस्तों किसी को आप चेक दो, चेक क्रॉस करके दो ताकि वो पार्टी अपने खाते में ही चेक लगाकर पैसे ले। कई बार ऐसा होता है दोस्तों पैसे से रिलेटेड कोई झगड़ा हो जाता है, तो ऐसे में अगर आपके पास प्रूफ रहेगा, आपने किसी को चेक दिया है, अकाउंट पे ही चेक है, आपके खाते से पैसे कट के उसके खाते में गए हैं, तो दोस्तों आपको अगर केस करना है या कोई क्लेम करना है आपका पक्ष जो है वो बहुत मजबूत रहेगा, आप वो क्लेम उसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी को कैश दे दिया है या दोस्तों आपने सेल्फ का चेक काट कर दे दिया है, तो उस केस में क्या होता है दोस्तों एक रिकॉर्ड नहीं रहता कई बार कि आपने दोस्तों कितना चेक कितने पैसे का किसके नाम दिया है, तो जितना आप रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन करेंगे उतना दोस्तों आपको फ़ायदा होता है। अब कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं कि मान लीजिए आपको किसी ने चेक दिया, चेक आपसे ख़राब हो गया, धुल गया, तो ऐसे केस में भी दोस्तों आप नया चेक ले लीजिए। मान लो चेक पे नज़र ही कुछ नहीं आ रहा, साइन ही क्लियर नहीं है जिसने आपको चेक दिया है, तो ऐसे केस में दोस्तों चेक वापस होना लाजमी है और आपके खाते से पैसे कट जाएंगे, सामने पार्टी के खाते से भी पैसे कटेंगे। तो हमेशा अगर चेक के ऊपर जो इम्प्रेशन है, इफ़ेक्ट्स जो अगर क्लियर ना हो, तो ऐसे में आप नया चेक ले लीजिए, वही समझदारी रहेगी। अब दोस्तों एक और बात जो आपके मन में रहती है, मान लो किसी ने आपको चेक दिया, उसके खाते में मान लो पैसा नहीं था, वो चेक बाउंस हो गया, क्या वो चेक दोबारा लगा सकते हैं? आप बिल्कुल वही चेक दोबारा लगा सकते हो। अगर आपको पार्टी कह रही है कि उसने पैसे खाते में डलवा दिए हैं तो वही चेक दोबारा लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों कई बार आपने चेक लगा दिया, वो वापस हो गया, चेक की एक वैलिडिटी रहती है, नंबर ऑफ टाइम्स आप उसको लगाएंगे, जैसे 3 बार से ज़्यादा आप लगाओगे चेक को, वो चेक दोस्तों फिर वेस्ट हो जाता है। तो ऐसे केस में दोस्तों आप एक नया चेक ही लीजिए। और दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कुछ घर वालों के बुज़ुर्ग क्या करते हैं, चेक के ऊपर अपना साइन करके रखते हैं, अपने बेटों को देकर रखते हैं, अपनी बेटी को देकर रखते हैं। कई बार ऐसा केस होता है कि उनकी डेथ हो गई, डेथ होने के बाद मान लीजिए दोस्तों 17 अप्रैल को किसी बुज़ुर्ग की डेथ हुई और उसके बाद कोई 20 अप्रैल या 10 मई की डेट डालकर कोई चेक बैंक में ले गया, साइन करवा कर रखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चेक भरने के बाद ही आप साइन कराइए तभी सही रहता है। तो उस केस में क्या होता है, आप पैसे किसी तरह मान लीजिए आपने निकलवा लिए और बैंक को पता नहीं चला कि वो व्यक्ति मर चुका है, तो ऐसे केस में अगर कोई इंक्वायरी होती है तो दोस्तों आप पर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि चेक के ऊपर जो है वो डेथ के बाद की अगर डेट होगी तो आप परेशानी में आ सकते हैं। तो ऐसा दोस्तों कभी भी मत कीजिएगा। अब अगली बात पे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपने किसी को चेक दे दिया है और आप चाहते हैं कि उसकी पेमेंट ना हो। मान लीजिए आप बिजनेसमैन हैं, आपको किसी को पेमेंट करनी थी, आपने उनको चेक भेज दिया, किसी कारण उनके पास चेक नहीं पहुंचा, आपने बाय पोस्ट भेजा, उनके यहाँ से कोई व्यक्ति आकर आपसे पैसे ले गया और आप चाहते हैं कि उस चेक की पेमेंट ना हो, तो ऐसे में दोस्तों आप चेक स्टॉप पेमेंट बैंक में जाकर करवा सकते हैं, या दोस्तों आप अपनी मोबाइल बैंकिंग ऐप से भी कर सकते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, वो वीडियो देखकर कैसे आप अपनी चेक की स्टॉप पेमेंट करेंगे आप देख सकते हैं और आप चेक की स्टॉप पेमेंट करवा सकते हैं। अब दोस्तों अगली बात, मान लीजिए दोस्तों आप चेक भर रहे थे, वो चेक खराब हो गया या आपने चेक दोस्तों फाड़ दिया, तो ऐसे केस में क्या होता है, आपको अगर आपने काफ़ी ज़्यादा चेक खराब कर दिए हैं, फट चुके हैं, तो बैंक में जाकर या मोबाइल बैंकिंग ऐप में कुछ में ऑप्शन होता है, वहां से आप उस चेक को डिस्ट्रॉय कीजिए, क्योंकि जो चेक आपके खाते में चढ़ा हुआ है वो आपको पता है कि आपने फाड़ दिया, यानी सिस्टम को बताना, बैंक को बताना बहुत ज़रूरी होता है, तभी दोस्तों वो आपकी आईडी से चेक निकलता है।
तो दोस्तों अगर आपका कोई चेक खराब हो जाए तो उस चेक को आप डिस्ट्रॉय जरूर कीजिएगा, नहीं तो दोस्तों वो आपकी आईडी में ऐसे ही पड़ा रहेगा। हाँ, एक दो चेक अगर खराब हो कोई दिक्कत नहीं है, 5-10 या उससे ज़्यादा चेक आपके खराब हो रहे हैं, मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन है, तो ऐसे में क्या होता है नए चेक बुक मंगवाने में दिक्कत आती है, क्योंकि पुराने चेक आपकी आईडी में काफ़ी सारे शो होते रहेंगे और बैंक आपको नई चेक बुक नहीं दे पाएगा। तो पुराना चेक अगर खराब हो चुका है, वेस्ट हो चुका है, बैंक में उसको डिस्ट्रॉय कराना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थे चेक से जुड़े कुछ सवाल जो मेरे मोबाइल में थे, काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल पूछे थे, कुछ की मेरे पास मेल आई थी तो सोचा कि आप सभी से डिस्कस कर दूं। तो जब भी दोस्तों आप कोई चेक भरते हैं, अपने खाते में लगाते हैं या किसी को देते हैं, तो कोशिश कीजिए पूरी सावधानी बरतिए। और मेरे इस YouTube चैनल पर भी काफ़ी आपको वीडियोस मिल जाएंगी कैसे चेक भरते हैं, कैसे अपने खाते में लगाते हैं, उन्हें देखकर भी दोस्तों आप सीख सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना, और जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।